चाइना में मिलावट का जानलेवा कारोबार चल रहा है। चीन से एक्सपोर्ट हो रही सी फूड का काला सच क्या है? चाइना में बने नकली काजू और अखरोट भी दुनिया भर में बेचे जा रहे हैं। यही नहीं, चाइना में मुर्गियों के अंडे भी लैब में तैयार हो रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं चीन की मिलावट के वो 8 काले सच, तो अगले 5 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अनजाने में ही सही, कहीं आप भी तो इसका शिकार नहीं हो रहे। नंबर 8, केकड़े। चाइना के शहर शेंचेंग में केकड़ों की फार्मिंग होती है। चाइना के अलावा ये केकड़े पूरी दुनिया में फेमस हैं। ये केकड़े साइज में बड़े और एक नॉर्मल केकड़े के मुकाबले ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। शेंचेंग नदी से हर साल 3000 टन केकड़े निकाले जाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन केकड़ों की सालाना बिक्री 1,00,000 टन से भी ज्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? तो ये ऐसे कि चीनी लोग एक साधारण केकड़े को केमिकल की मदद से पहले फुलाते हैं, फिर उस पर कलर चढ़ाकर हूबहू वैसा ही बना देते हैं जैसा कि वो सच में हो। इस तरह असली शेंचेंग केकड़े की आड़ में हजारों टन केमिकल से निर्मित केकड़े चाइना दुनिया को परोसता है। सोचिए मिलावटी काम कितना जानलेवा होगा। नंबर 7, लैब में तैयार होते अंडे। अब इसी को देख लीजिए, यहाँ मुर्गियों के अंडे तैयार हो रहे हैं। जहाँ ना तो मुर्गी है और ना ही कोई मुर्गा, मिलावटखोरी की हदें पार कर चुका ये देश दूसरों की जान लेने पर तुला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नकली अंडे को तैयार करने के लिए एलिजेनिक एसिड, पोटेशियम एलम, जिलेटिन, कैल्शियम क्लोराइड और नकली रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, अंडे का छिलका बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है, जिसके बाद ये हूबहू एक असली अंडे जैसा दिखने लगता है। अब सोचिए कि केमिकल से बना ये अंडा आपके पेट में जाकर क्या क्या कर सकता है। ध्यान रहे कि खाने के नाम पर बम बनाने वाला चाइना प्लास्टिक के चावल और पत्ता गोभी जैसी चीजें भी बना रहा है, जो दुनिया भर में बेची भी जा रही है। आपकी और आपके चाहने वालों की किचन तक ये चीजें ना पहुँचे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। नंबर 6, लॉबस्टर्स यानी झींगा। चाइना का लॉबस्टर दुनिया भर में मशहूर है। इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए ये लोग छोटे छोटे लॉबस्टर्स में जिलेटिन नाम का केमिकल भर देते हैं। ऐसा करने से वजन तो बढ़ता ही है, एक छोटा झींगा पल भर में ही बड़ा और बेचने के लिए तैयार हो जाता है। जानकारों की माने तो ये जिलेटिन जानवरों की स्किन और उनकी हड्डियों से बनाया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। यही नहीं, ये लोग सड़े गले झींगों में भी जिलेटिन भर देते हैं और उनकी खोपड़ियों को ग्लू से चिपका देते हैं। सोचिए एक झींगा जिसे कुत्ता भी न पूछे, उसे ये चीनी दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर देते हैं। नंबर 5, नकली दूध। पैसे के पीछे दीवाना चाइना बच्चों को भी नहीं छोड़ता। चाइना में नकली दूध बनाने वाली ऐसी सैकड़ों कंपनियां चल रही हैं, जो बच्चों का दूध नहीं बल्कि जहर परोस रही हैं। साल 2008 में एक रिपोर्ट में पाया गया कि बेबी मिल्क बनाने वाली ये कंपनियां दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाती हैं, और ऐसा करने के लिए ये लोग दूध में मेलामाइन नाम का केमिकल डालते हैं। ये कितना घातक है, ऐसे समझिए कि इसका लगातार इस्तेमाल एक व्यस्क आदमी के गुर्दे फेल कर सकता है। अब जरा सोचिए कि नन्ही सी जान पर इसका क्या असर होगा। नंबर 4, नकली मांस। सी फूड ही नहीं, चाइना में नकली मीट का कारोबार भी धड़ल्ले से चलता है। यहाँ चिकन, मटन और पोर्क के नाम पर मिलने वाला मांस असल में चूहे का मीट होता है। चूहे और लोमड़ी जैसे जानवरों के मांस में फूड कलर्स और नाइट्रेट जिलेटिन जैसे केमिकल्स मिलाकर चीनी लोग उसे मटन जैसा बना देते हैं। हैरान हो गए। यही नहीं, ये लोग असली मटन और चिकन के साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करते, बल्कि वजन बढ़ाने और उसे फ्रेश दिखाने के लिए ये लोग मांस में इंजेक्शन भी लगाते हैं। कभी पानी तो कभी केमिकल से भरी ये इंजेक्शन जब मीट में लगाए जाते हैं, तो इससे इनका वजन बढ़ जाता है और साइज में भी ये मीट बड़ा हो जाता है। कुछ डॉलर्स के खातिर जान से खेलने वाला कारोबार चाइना में चोरी छुपे हो रहा है। नंबर 3, गटर ऑयल। भले ही आपको इस बात पर यकीन ना हो, मगर ये बात बिल्कुल सच है। चाइना की सड़कों पर मिलने वाला चटपटा खाना असल में गटर के तेल से बनता है। चाइना के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जहाँ से जाने अनजाने सैकड़ों लीटर तेल बहा दिया जाता है, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तेल को नालियों से निकाल लेते हैं। जी हाँ, ये गोरख धंधा चाइना की नाक के नीचे चल रहा है। बड़े से बर्तन में गटर से निकली गंदगी को घंटों पकाया जाता है। जैसे जैसे तेल ऊपर आता है, वैसे वैसे इस तेल को इस गंदगी से अलग कर लिया जाता है, रिस्पेक्ट को बाजार में बेच दिया जाता है। नंबर 2, नकली अखरोट। चाइना में अखरोट के नाम पर भी मिलावट खेली जा रही है। अखरोट के अंदर सीमेंट और कागज भरकर उसके छिलके को बड़ी ही बारीकी से जोड़ दिया जाता है। इसे देखने ही नहीं, इसे छूने पर भी किसी को ये एहसास नहीं होता कि इसमें फल नहीं होगा। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा शराब निर्माता है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि ये देश नकली शराब बनाने के मामले में भी नंबर 1 है। यहाँ हर साल चीनी सरकार हजारों की संख्या में छापे मारती है, जहाँ ब्रांडेड शराबों के डुप्लीकेट बनाने का काम धड़ल्ले से चलता है। ये करोड़
करोड़ दो करोड़ नहीं बल्कि हजारों करोड़ों का कारोबार है। कुछ रंग और केमिकल मिलाकर इन्हें ऐसे तैयार किया जाता है जिसे देखने वाला कतई नहीं बता सकता कि ये शराब नकली है या असली। बोतल से लेकर लेबल और सील किया हुआ ढक्कन ये लोग अपने घरों में ही बैठकर एक ब्रांडेड शराब की कॉपी तैयार कर लेते हैं, फिर इन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हर घंटे लगभग 40,000 बोतलें नकली शराब की तैयार की जाती हैं, जिन्हें लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाता है। दोस्तों, ये नॉलेज केवल अपने तक न रखें, अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को जागरूक बनाने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर